स्पेशल शो स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। यहाँ के शिवाजी पार्क में शिवसेना और की दशहरा रैली को लेकर उसके दोनों गुटों में खींचतान का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रैली की इजाजत देने को लेकर बीएमसी की ओर से की जा रही देरी के खिलाफ याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर कर दी है। उद्धव गुट ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस गुट ने बीएमसी पर जानबूझकर दशहरा रैली की इजाजत में देरी करने का आरोप भी लगाया है। उद्धव गुट की याचिका पर बीएमसी आज अपना पक्ष दाखिल भी करेगा। वहीं पर बताते चले कि शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से यह याचिका उसके सचिव अनिल देसाई ने एडवोकेट जोएल कॉलर्स के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि पार्टी हाईकोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर है क्योंकि वह मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने अब तक रैली की अनुमति के लिए अगस्त में भेजे गए उसके आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस याचिका में शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली के आयोजन के लिए बीएमसी को तत्काल इजाजत देने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। तो वहीं पर बुधवार को जस्टिस आरडी धनुका ने अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया है। इसमें याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। पीठ ने इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। देसाई ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी पार्टी 1966 से शिवाजी पार्क में हर साल दशहरा रैली का आयोजन कर रही है। बीएमसी ने हमेशा इसकी अनुमति दी है, तो इस बार अनुमति देने में इतनी देरी क्यों? दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट विकल्प के रूप में बांद्रा कुलर कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति मांगी है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को बांद्रा बीकेसी यानी कि मैदान में दशहरा रैली करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को अभी तक किसी मैदान की अनुमति नहीं मिली है। आखिर क्यों? शिंदे गुट ने भी शिवसेना के पारंपरिक रैली स्थल शिवाजी पार्क का दावा भी अभी छोड़ा नहीं है। शिवसेना विधायक और उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार जून में गिर गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। अब यहाँ पर लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे को अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती है तो क्या होगा, बड़ा सवाल है यहाँ पर। अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन। We'll be right back.